हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, बदला। उस खरामी को हमें मिटाना है। गोली नहीं मारेंगे, कह के लेंगे उसके, उसे उसकी औकात बताएंगे, धीरे धीरे उसका सब कुछ छीन लेंगे, अपने आप में मर जाएगा। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार मेरे इस नए एपिसोड में ऑफ आर्क सर्वाइवल। दोस्तों आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, मतलब कल से ज्यादा मजेदार होने वाला है, जो पिछला एपिसोड था उससे ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो दोस्तों अभी से कहता हूँ लाइक करके रख देना, ठीक है। तो दोस्तों आज जो हम लोग करने वाले ना, सिर्फ एक ही मकसद है अपना, बदला। उस खरामी को हमें मिटाना है, गोली नहीं मारेंगे, कह के लेंगे उसके। पिछले एपिसोड में हमारे साथ हुआ, उसका हम लेने वाले हैं फुल टू बदला। और वो बदला कैसे लेंगे ना दोस्तों, अपन को पता है कि वाइवंस कहाँ है, वो जो ड्रैगन्स है वो कहाँ पे है, और उनको मतलब उनको टेम करना तो थोड़ी सी दूर की बात है, उनको मतलब मार पाना भी मुश्किल है। लेकिन हम लोग बदला ऐसे लेंगे उनका अंडा चुरा के, और मैंने फुल प्रूफ प्लान बनाया कि उनका अंडा कैसे चुराना है। और दोस्तों मतलब बोल सकते 80% तक वो प्लान फेल हो जाएगा, पर 20% चांसेस है कि हम उनका अंडा चुरा के लेके आ सकते हैं। और मैंने सारी तैयारी की है कि क्या क्या करने का है, कैसे कैसे करने का, वो सारी चीजों को मैंने एक बार ट्राई ले चुका हूं, मतलब वो अंडे के साथ में नहीं, लेकिन कैसे होगा इस सब चीजों के साथ में। तो बेसिकली पहले मैंने क्या किया, देखो पहले अपना जो ये फ्लोर है ना, अपना जनरेटर चालू नहीं हो रहा था, मतलब चालू हो रहा था लेकिन इन सबसे कनेक्ट नहीं हो रहा था। ये अपना इंक्यूबेटर मैंने बनाया और इन सबसे कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो मैंने ना देखा वीडियो में कि नीचे है ना अपना को फ्लोर है ना मेटल का बनाना पड़ता, तो मेटल का बना दिया मैंने। फिर ये अपने जनरेटर बनाया था ऑलरेडी, इस जनरेटर को मैं चालू करता हूं तो उसके साथ साथ ये इंक्यूबेटर को मैं चालू कर सकता हूं। और ये बेसिकली इंक्यूबेटर है ना लिटरली काम करता है दोस्तों, लिटरली ये बहुत ही बखूबी तरीके से काम करता है। मैं बताता हूँ कैसे, मैंने क्या क्या किया है। मैं अब मतलब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रहा था, बदला, और वो कैसे उनके वो ड्रैगन जो वाइवंस थे उनको पालना है, उसमें से किसी एक को तो टेम करना ही है, उसके बच्चे को चुरा के भागेंगे अपन। और उसी चक्कर में मैंने एक उड़न खटोले को टेम किया था, जो इसको टेम करने के चक्कर में ये आरजे को टेम करने के चक्कर में मारा गया। और दोस्तों इसके साथ साथ ये देखो, बीच में इन जानवरों के बीच में मेरे पास ये कौन है, ये नहीं रे, ये तो वेजी है, कहाँ गया अपना, ये इसके बीच में खड़ा, ये रहा, ये देख रहे हो, मतलब ये है अपना रेक्स। रेक्स एक्चुअली एक अंडा मेरे को मिला जिसके अंदर मेरे को मतलब वो फर्टाइल एग था, और मैंने मतलब सिर्फ ट्राई लेने के लिए ना दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ ट्राई लेने के लिए मैंने इसको इंक्यूबेशन वाला जो बनाया ना उसके अंदर रखा था। और ये बच्चा बड़ा हो गया दोस्तों, अभी इसका मैच्योरेशन लेवल चल रहा है। मैंने इसको बहुत अच्छे से टेम किया इन द सेंस, जिसके अंडे को मैं लेके आया बेसिकली, मेरे को वो जहां से अपने पहले वाले रेक्स को लेके आया था उसको लेके और इधर फेंक दिया और इसको चालू कर दिया। उसको चालू करने के बाद दोस्तों ये धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हुआ, और मैंने इसका जो हीलिंग है ना वो ऑन रखा था। दोस्तों आप लोगों का एक कमेंट था कि इसका हीलिंग जो है वो जब हील करता है तो बहुत सारा ये करता है, वो क्या कहते हैं अपना चिकन खाता है, तो मैंने ऑलरेडी इसमें बहुत सारे चिकन डाल रखे थे, और देख सकते हो कि प्राइम मीट अभी भी उसमें पड़ा हुआ है। मतलब रिसेंटली मैंने बहुत सारी चीजें की और बहुत ज्यादा मर्डर किया मैंने दोस्तों, ड्रैगन्स का नहीं डायनासोरस का, ऐसे ऐसे रेक्स का जो नुब्बे थे, और मैंने वो करने के चक्कर में अपने राइडर ओपी का जो है ना लेवल फुल कर दिया, एकदम फुल, अब इससे ज्यादा फुल हो नहीं सकता। और देखो उसी चक्कर में अपने को 218 लेवल का ये रेक्स टेम किया मैंने, और सेम तरीके से दोस्तों जो हम लोगों ने अपने इस वाले रेक्स को टेम करा था उसी तरीके से। हाँ ये चीज अलग है कि उधर के दीवारों को बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया था इस बंदे ने, लेकिन फिर भी ये टेम हो चुका, और मेरे काफी सारे नाइट अपना नार्कोटिक जो ये थे एरोस थे वो बहुत ज्यादा मतलब ये इस पे इस्तेमाल हुए। लगभग मैं बोलूं आपको, ये जब भी मैं इसको मार रहा था ना ये वाले टेक रेक्स को, तो ये था कुछ 160 लेवल का, ठीक है। और इसको मारने के चक्कर में मेरे को लगता है मेरा एरोस कुछ ड्रैंक एरोस कुछ कम से कम मेरे को लगता है 150 के करीब यूज हुआ, और उसके बाद से इसको टेम करने के लिए नार्कोटिक जो है वो कम से कम 60-70 यूज हुआ। मतलब मैं एक्चुअली प्रिकॉशन लेकर के उसको बिना मतलब उसका टॉर्क पावर गिराया ही मैं इसको नार्को खिला दे रहा था और चिकन्स वगैरह खिला रहा था, तो अपने आप ये हो गया अपने से टेम। और ये अपने पास एक रेक्स है, ये फीमेल है ये रेक्स, एक मिनट। और मैंने एक स्पाई ग्लास भी अपने लिए बनाया, बहुत सारे वायर्स भी बनाए, तो ये है अपना मेल और ये अपना फीमेल। अब पता नहीं इन दोनों का मैंने मेटिंग ऑन रखा है, पता नहीं इन लोग एक दूसरे से कुछ करेंगे या नहीं, क्योंकि वो टेक है और ये नॉर्मल वाला है, तो वो करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन जो मैं प्लानिंग किया हूँ, जैसे मैं उन अपने वाइवंस को जो हमारे बच्चों को हमारे उड़न खटोले को और अपने आरजे को मारा था, उसके लिए अपन क्या करने वाले ना, देखो इसको अपन डब्बे में भर के अपने सीने के ऊपर मतलब सीने के ऊपर नहीं कंधे के ऊपर लेके जाने वाले, और अपने साथ आरजे जाएगा। इस आरजे को हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, समंदर के
मतलब जो इस तरफ में आइलैंड है तो हम लोग उस तरफ में पार्क करेंगे, उस तरफ में, और आरजे को उधर बोलेंगे ठंड रख भाई, आना नहीं, हमला करना नहीं, मैं अपने इस राइडर ओपी का जो लेवल अप कर दिया हूं, उसको मैं पानी के रास्ते ना चला चला के लेके आऊंगा और उसको इधर पार्क करूंगा इधर, और इसके जस्ट बाजू में नेस्ट रहेगा या फिर थोड़ी दूरी पे नेस्ट रहेगा, मैं चुपके से जाऊंगा और उस अंडे को भाग भाग के जा करके उठा करके इसके ऊपर बैठूंगा और पानी के रास्ते निकल जाऊंगा। एक बार मैं पानी के अंदर पहुंच गया ना दोस्तों, तो अपने को उधर पकड़ने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि ये पानी में भी बहुत तेज भागता है। इसका लेवल देखो क्या, तो फुल हो चुका है, अब इसके ऊपर इसका लेवल अप होगा नहीं, जिसके अंदर मैंने क्या किया, इसका मिली डैमेज बढ़ा दिया, इसकी वेट की क्षमता बढ़ा दी है और इसका स्टेमिना, बेसिकली इसका स्टेमिना बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। एक बार हम पानी को पार कर लेंगे उस तरफ, फिर मैं वापस से इसको अपने कंधे पे बिठाऊंगा, रेक्स को, अपना राइडर ओपी को, और अपने जो आरजे है इसको उठा करके इसके ऊपर बैठ करके हम लोग वहां से निकल जाएंगे। अब देखेंगे कितनी दूर वो अपने अपने पास आने की कोशिश करता है। तो बेसिकली इसके पास से ना अपन इसको बहुत हल्का करने वाले, ये सारी चीज़ें मिली थी जब मैं फुल फाइट के मूड में था। अब ये सारी चीज़ें, ये तो ये खाता नहीं है, तो फिर अपन वेजीज को निकाल देंगे और यहाँ पे इसको रख देंगे, और अपन ज़्यादा लोड अपने साथ लेके जाएंगे नहीं। और ढेर सारे मैंने टेक डायनासोरस को भी मारे हैं यहाँ पे ढूंढने के चक्कर में। किसको ढूंढ रहा था मैं, गीगा को ढूंढ रहा था दोस्तों। गीगा ये पूरे मैप में मेरे को कहीं नहीं मिला, चिटिन करके जिसको डाल देते, हाइट डाल देते, पर्ल डाल देते, और ये अपने साथ लेके जाएंगे, इसको डाल देते, ये इलेक्ट्रॉनिक्स डाल देते, वुड डाल देते, स्टोन डाल देते, और ये सब मेरे को सप्लाई कैरेट में मिला है दोस्तों। तो ये सारी चीजें लेके जाके कोई मतलब नहीं है। एक बार आई दबाएंगे और अपनी इन्वेंटरी से पाइप वगैरह जो है, ये पाइप नहीं, केबल वगैरह जो है ये भी निकाल लेंगे, और ये बेसिक बेसिक चीजें जो वो साथ में लेके चलेंगे। अब यहाँ पे देखो मेरा ये टोपी अगर इतना ज्यादा डैमेज है तो वहां तो पड़ते मारा जाएगा, और ये भी मेरे को सप्लाई कैरेट में मिला था दोस्तों। इसको रिपेयर करने के लिए कुछ आ ही नहीं रहा है दोस्तों, रिपेयर के लिए मेरे को ऑप्शन आ नहीं रहा, मेरे को नहीं पता उसका क्या करेंगे। बट मेरे पास और भी टोपियां थी, ये क्या है, आर्मर है, ये पहन नहीं सकते, ये तो अपने को वो है। अरे कुछ ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार। तो अपन इसको वापस से इसमें रख देंगे। चिटिन का मेरे पास आर्मर होना चाहिए, ये रहा, इसका जो फुल है, ये भी फुल है, ये भी फुल है, सब फुल है। इसको अपन यहाँ पे रखेंगे, इसमें से अपना सारा आर्मर उतार के रख देंगे इधर इधर, और इसको पहन लेंगे। छाती वाला भी नहीं पहनेंगे क्योंकि ऑलरेडी अपने पास मस्त वाला एक आर्मर पड़ा हुआ है। इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे ये सारी चीजें जो है ट्रांसफर कर देंगे। तो अपन केबल्स है ना यहाँ पे रख देंगे, ये सारे केबल्स बनाए थे ताकि ना इनक्यूबेटर को चालू कर सके। और दोस्तों बेसिकली ना ये इनक्यूबेटर काम भी करता है, देखो अगर मैं जनरेटर को चालू करूं, और देखो इनक्यूबेटर चालू, और इस पे अगर एग लेके आकर के फेंक देंगे ना अपन, अपने आप एग है ना वो इनक्यूबेट हो करके अपने को मस्त वाला बेबी दे देता है। ठीक है, फिलहाल अभी इसको बंद कर देंगे, बंद हो गया। और अपन राइडर ओपी को क्या करेंगे, इसका इन्वेंटरी देखेंगे, इसके इन्वेंटरी में ये डाल देंगे, राइट क्लिक करेंगे, एक्टिवेट तो है ही है, ई दबाएंगे, इसको अपने कंधे पे रख लेंगे। ठीक है, तो ये अपने कंधे पे आ गया दोस्तों। ये वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट हो सकती है पर बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाली है। और अपने आरजे पे बैठेंगे, जैसा हमने प्लान किया था वैसे ही करेंगे। सिर्फ अपने को क्या करना है, वहां पे जाकर के अंडा चुराना है और लेकर के आना है। ये देख रहे हो दोस्तों, आरजे को ट्रैप करने के लिए यहाँ पे मैंने ये जो अपना ये गेटवे होता है वो हमने बना करके मैंने इसको ट्रैप करने के लिए प्रैक्टिस किया था कि इसको कैसे ट्रैप करेंगे। और सेम चीज मैंने वो पहाड़ियों पे जाके किया और इसको उस तरीके से ही मैंने इसको पकड़ा है। फुल प्रैक्टिस किया था कि भाई मेरे को कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कोई मतलब ये तकलीफ नहीं होना चाहिए इसको टेम करने के लिए कोई भी एक आरजे को, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ सीधा उस पहाड़ पे जहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं। पहले वहाँ रेस्ट लेंगे, फिर वहाँ से हम नीचे किनारे पे एक रेस्ट लेंगे, और वहाँ से फिर डायरेक्टली जाएंगे सीधा, इसको पार्क करेंगे पहले किनारे पे, अपना राइडर ओपी को उधर मैं फेंकूंगा, उसके ऊपर बैठूंगा और आऊँगा, सीधे अंडे चुराऊंगा और भाग जाऊँगा वहाँ से, दैट्स इट। अब इसमें राइडर ओपी की भी जान जा सकती है, मेरी भी जान जा सकती है, इस आरजे की भी जान जा सकती है, पर कोई बात नहीं, हम वो सारी चीज़ें तकलीफें झेलेंगे। चलो दोस्तों, मिलता हूँ मैं सीधा पहाड़ी पे। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं इस पहाड़ पे, यहाँ पे एक हॉल्ट लेंगे अपन, और उसके बाद हम जाएंगे उस किनारे पे, इसको पार्क करेंगे और अपने राइडर ओपी के साथ हम लोग उस पूरे समुंदर को पार करेंगे। मुझे पता है उस मतलब मेरा ये जो प्लान है बहुत ही खतरनाक है, कोई बात नहीं, हमको बदला चाहिए, बस बदला। अभी फिलहाल इसकी अपने को जो जरूरत है ना वो है मिले डैमेज की, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत है उसकी, क्योंकि क्या है, बस बहुत ज्यादा जरूरत। बीच में बहुत सारे जेली फिशेस हैं जो कि प्रॉब्लम दे सकती हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे उनको अवॉइड करने का। कोई मार नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, शांति से जाएंगे और शांति से वापस आएंगे। और मेरे को ये बदन तोड़ ठंडी क्यों लग रही है, वाह वाह, दिन के वक्त में भी बदन तोड़ ठंडी लगती है, शायद हवा में ज्यादा हूं मैं,
इस वजह से, या फिर बारिश आने वाली है, दोनों में से कोई एक कारण होगा। तो यहीं पे अपने इसको आराम फरमाने के लिए कहेंगे, क्योंकि पीछे के तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पे सेबर टूथ है चार, ये इन लोगों को आराम से संभाल लेगा अपना आरजे, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल का कर दिया मैंने इसको, पूरा अच्छे से ट्रेन किया है। तो यहाँ पे अपन इसको रहने देंगे, ठीक है। हाँ, इन लोग आ रहे, देख रहे हो, देख रहे हो इनके अंदर हिम्मत देखो दोस्तों, कि मतलब ये इनको मतलब इतना गट्स आता कहाँ से। चल निकल, पहली फुर्सत में निकल। ओ भाई साहब, मैंने बोला था ये संभाल लेगा, ये तो मेरे को ले लिए बाबा। भागो इधर से पहले। हाँ ठीक है ठीक है, तुम मार ले बेटा, तुम मार ले, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं ज्यादा ही कॉन्फिडेंस में आ गया। तुम लोग आओ किनारे, आओ इधर, आओ इधर, आओ बेटा, लोग आ जाओ, आ जाओ, कहाँ हो तुम लोग, ठीक है ठीक है। अभी अपन ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, मैं बताया जैसे ना दोस्तों, इसको अपन ऐसे हॉल्ट करा देंगे। अपन को यहाँ पे इनसे ज्यादा पंगा लेने की जरूरत नहीं, कोई मारी मारा नहीं, कोई झगड़ा झुगड़ी नहीं। अभी फिलहाल अपने को राइडर ओपी को लेकर के बस यहाँ से निकलना है, ठीक है। अब राइडर ओपी को यहाँ पे कुछ ऐसे जानवर है जो शायद तकलीफ दे दे। अंधेरा हो गया दोस्तों, मेरे को इधर ही शाम गुजारनी पड़ेगी क्या? वैसे अपने को कोई कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि मतलब अभी इतना अपन इसमें नहीं है, खतरे में नहीं है। ये लोकेशन यहाँ पे हम लोग घर बनाने वाले हैं, ऑलरेडी डिसाइडेड है अपना। मैं धीरे धीरे करके सामान अपना इधर पे शिफ्ट करूंगा, पर फिलहाल अपन इंतजार करते थोड़ा दिन होने का, और रात भर यही बिताने वाले हैं। पता नहीं मेरे को यहाँ पे ठंडी लगेगी या गर्मी लगेगी, क्योंकि अभी मेरे को हीट शो कर रहा है। एक मिनट, इसका लेवल अप हो गया। फिर अपन इसको डाल देंगे वापस से, किस में मालूम है, स्टेमिना में डाल देते हैं, ठीक है। फिलहाल स्टेमिना में करके रखते हैं। और यहाँ पे मेरे को गर्मी, मैं बता रहा था मेरे को गर्मी शो कर रहा है, तो शायद मेरे को यहाँ ठंडी लगे नहीं। तो यहाँ पे एक काम करते, थोड़ा आराम करते हैं, और सीधा दोस्तों सुबह के वक्त में हम लोग जाएंगे समंदर के उस पार अपने राइडर ओपी को लेकर के। तो दोस्तों सुबह हो चुकी है, बहुत ही प्यारी वाली, और मेरे को पता है मैं उधर पे था, उधर से इधर उठ के आया, क्योंकि मेरे को सीधा एक रास्ता चाहिए जहाँ पे से मैं मतलब आऊँ और सीधा इसके ऊपर बैठ करके निकल जाऊँ। तो यहाँ पे अपनी गाड़ी को हम पार्क करेंगे, गाड़ी को मतलब अपने आरजे को, और यहाँ पे मेरे को लगता है जो भी इसके पास आएगा ना इसको मारने के लिए, ये बराबर उसको संभाल सकता है। फिलहाल फिर भी मैं इसको न्यूट्रल कर देता हूँ, ठीक है बेटा, जो भी होगा देख लेना। और अपन इस काम करेंगे अपने राइडर ओपी को निकालेंगे, इसके ऊपर बैठेंगे, ठीक है। ये हर जगह से, हर हिसाब से बहुत ही मजेदार जानवर है। बस अपने को क्या करने का, उधर जाने का है, अंडा उठाने का है, और फट से भाग के आने का, ठीक है। और नीचे कुछ डॉल्फिन्स है कुछ, चलो चले देखेंगे जो भी होगा वो। दोस्तों पानी के रास्ते हम लोग अंदर जा रहे हैं चुपके से, चुपके चुपके। वो मेगलाडॉन, ये मेगलाडॉन है, कितना 48 लेवल का अल्फा है भाई, हो गए, लग गए। साथ ही साथ कुछ जेली फिशेस भी है, और इन लोग अपने पास आ रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बचते बचाते हम लोग भागेंगे वहां से। और मेरे को पता है यहाँ पे एक रेक्स है जो अपनी वाट लगा सकता है, और कुछ ड्रैगन है वो रहा, और ये ड्रैगन से ही मेरे को डर लगता है। मैं काम करने वाला हूँ और किनारे से जाने वाला हूँ, ठीक है। उसको उधर भीड़े रहने दो, उसने देख लिया मेरे को, उसने देख लिया। अरे सेब, ये वाइपर टूथ है, वाइपर टूथ है दोस्तों, इसको अपन संभाल सकते हैं आराम से। अरे यार इसने मेरे पे वो मार दिया, ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कितना बचा है, 1.9, ज्यादा हेल्थ है नहीं। अबे छोड़ बे, तेरे से कौन डरता है। बस 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 बस, ये मरने वाला है दोस्तों। मेरे को एक्चुअली इससे फाइट नहीं लेने का है, इसको पहले खत्म करते हैं। और ये कहाँ गया बेटा, तेरी तो हालत खराब है, बस कोई और ना आए। अरे मैं कहां से मर गया यहाँ, ठीक है यहाँ स्पॉन होके देखते एक बार। अरे यार मैं कहां से मर गया यार, शिट, मेरा आरजे यही होगा। अरे यार वो उसको मार भी देगा यार, शिट यार शिट। हम लोग लगभग सक्सेस हो गए थे यार, आरजे को लेके जाऊंगा मैं यहाँ से। आरजे बेटा किधर है तू, तेरी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी, अपन वो अंडा लेके जाएंगे। मेरे को नहीं पता उधर कितने बंदे कितने जानवर हैं, लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूँ दोस्तों। अब की बार अंडा लेना और भागना है, क्योंकि वो तो मर गया रहेगा जो वाइपर टूथ था,
वो मर गया रहेगा पक्का ये बात। और अपना जो जानवर है ना उसके भी कोई खबर नहीं आया कि मतलब वो मरा है कि नहीं मरा है, पता नहीं मैंने ध्यान भी नहीं दिया अपने चक्कर में। हाँ वो उधर ही खड़ा है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। नहीं नहीं वाइपर तू तो अभी भी लड़ रहा है, अरे उसको 10-10 करके डैमेज दे रहा है भाई, न्यूट्रल हो जाओ न्यूट्रल हो जाओ। ऐसा ही नीचे आरजे किधर गया तू? मैं मर जाऊंगा। पास ही होके किधर गया बेटा तू? दोस्तों मैंने अंडा उठा लिया, कैसे कैसे भाग रहा हूँ बस वहां से। दोस्तों मैंने तो इधर समंदर पार कर लिया है, अब मेरे को नहीं पता मेरा आरजे क्या कर रहा है, क्या कहते हो जाना चाहिए क्या वापस आरजे के लिए? नीचे मेरे पीछे मेगलोडॉन पड़ा है, मेरी भी हालत खराब है और मेरे जानवर की भी हालत खराब है। और अगर मेरे को दिखाना हो तो मेरे पास ये दोनों अंडे पड़े हुए। एक काम करते है क्या, मैं जाता हूँ। दोस्तों मेरे को लगता है ना मेरा आरजे वगैरह जो है ना वो सारे मारे गए, अब मेरे को कैसे भी किसी भी सूरत में ना यहाँ पे रुक करके इस अपने इसकी हेल्थ को ठीक रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ में देखोगे ना तो इसका मेरे पास जो एग है, एग खत्म, हाँ ये रहा, तो इसका जो हेल्थ है यार मेरे को दिखा क्यों नहीं रहा मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, पर जो इसका हेल्थ है वो दोनों का कम होते जा रहा है। मेरे को फटाफट से यहाँ से कैसे भी निकल करके जाना होगा, इनक्यूबेट करना होगा अपने क्या कहते हैं इन दोनों एग को, ताकि मैं एक छोटा सा ड्रैगन पाल सकूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ, और अगर कुछ खतरनाक सीन आता है तो मैं ज़रूर उसको रिकॉर्ड करूंगा, पर मैं कोशिश करूंगा जहां तक कि बच बचा के निकलने के लिए, खुद को भी सेहतमंद रखने के लिए और इस बंदे को भी जो मेरे साथ है इसको भी सेहतमंद रखने के लिए। तो इसका फटाफट से मैं हेल्थ है ना जो वो सही करने की कोशिश करूंगा, जितना हो सके उतना इसको खाना खिलाऊंगा। रॉ प्राइमेट खा ले बेटा, ये भी खा ले। अब मेरे को लगता है ऐसा ना हीलिंग वाला पेस्ट है ना वो बनाना ही पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूं मैं अपने घर पे किसी भी तरह से कैसे भी पहुंच करके, और अगर बीच में कुछ होता है समुद्र के किनारे किनारे से ही चलूंगा, और अगर बीच में कुछ होता है तो जरूर मैं रिकॉर्ड करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, पता नहीं दोस्तों मैं किस तरफ से आ रहा हूँ, और मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि मतलब मैं ये रास्ते बहुत ज़्यादा चला हुआ हूँ, तो मेरे को पता है कि ये रास्ते पे से मैं सही जा रहा हूँ, और धीरे धीरे भागने भागने की कोशिश कर रहा हूँ, स्टेमिना बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आरजे फिर से अपना जा चुका है, और हम लोग क्या करने वाले, अभी जाएंगे हम लोग एक उड़न खटोले को। ओह हम लोग पहुँच गए दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुँच गए, पर यहाँ से मैं नीचे कैसे उतरूँ? मेरे को ऐसा फुल फीलिंग आ रहा है कि हम लोग पहुँच गए दोस्तों। तो अपन जाएंगे अब एक उड़न खटोले को फिर से टेम करेंगे, और उसको टेम करके लेके जाएंगे अपना आरजे को टेम करेंगे। पहुँच गए दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुँच गए। ये वही एरिया है जहाँ पे हम लोग ये लूटा करते थे सप्लाई कैरेट। अब फटाफट से दोस्तों मेरे को इंक्यूबेशन करने का है अपने दो मस्त ये उड़न खटोले का तो अभी जरूरत ही नहीं ना अपने पास, तो ये साइबर अपना दो साइबर टूथ बोल रहा हूँ, दो अपने पास अंडे किसके, वाइपर टूथ या किसके तो है अब पता नहीं किसके, लेकिन अभी अपने को मेरे को नहीं लगता। एक मिनट बेटा उतर यहाँ से, भाग जल्दी से भाग, और इसको ऑन कर, इसको ऑन नहीं कर सकता, ऑन नहीं कर सकता बेटा तू, इसको ऑन कर। ठीक है ये अपने आप ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे खड़े होकर के ना दोस्तों अपने को क्या करने का, आई दबाने का, और यहाँ पे क्या करने का है वो दबाने का, फेंक देने का, इसको भी फेंक देने का। ठीक क्या है ये, इंक्यूबेशन हेल्थ है 94, एग हेल्थ है 100%। ठीक है पर ये किसका है, फर्टिलाइजर वेव एन एग, इसमें से क्या निकलेगा कुछ समझ में आ रहा? फायरबॉल निकलेगा, ओ फायरबॉल निकलेगा, और इसमें से क्या निकलेगा, इसमें से फायरबॉल ड्रैगन निकलेगा, और इसमें से फायरबॉल वेव एन मिन निकलेगा। अब दोस्तों दोनों में से क्या निकलता है पता नहीं, लेकिन अपने इस बंदे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और फाइनली अपन ने, मेरा वो बच्चा कहाँ गया जिसको मेरे को सहलाने का था यार, 20 मिनट ही बचे थे इसके तो। अरे यार इसको, इसका मैच्योरिटी लेवल क्या हो गया अभी यार, कितनी चीज़ों को संभालना पड़ता है। निकलो यहाँ से भी, फंसा के रखे हो एक ही जगह, साले आके खड़े हो जाते हैं सारे के सारे। नहीं नहीं अभी बाकी टाइम बाकी है, इसका नो पासिव हीलिंग, भाई हीलिंग कर सबको हील देता रहे। तू एक काम कर बेटा, तू इधर घूम, इधर से निकल ज़रा, हाँ इधर से निकल, मैं तेरे को बताता हूँ तेरे को क्या करने का है। एक ही काम है तेरा दोस्त, सिर्फ और सिर्फ एक काम, इधर खड़े रहे
और सबको हील करते रहे, इस बंदे को हील कर, ठीक है। अरे अपने को ये इसको भी लेके जाते अगर ड्यूडॉन को अपने, तो भी अपना काम बन जाता था, कोई मरता नहीं यार। शिट, मेरा एक आरजे मारा गया उधर पे, पर मेरे को कहीं नोटिफिकेशन नहीं आया दोस्तों कि वो मारा गया तो कैसा मारा गया, मतलब किसने मारा, किसने क्या किया। नो पासिव हीलिंग, भाई क्या हो गया, चिकन खत्म हो गया क्या सारा का सारा? मैंने बहुत सारा लाया है दोस्त, टेंशन नहीं है तो इधर पे चिकन। दोस्तों फाइनली अपन क्या करने वाले, देख रहे हो, एक मस्त पैकी ड्रैगन अपने नाम करने वाले। अंडा चुरा के भागा है दोस्तों अपने, इसको तो है, फिर क्यों नो पासिव हीलिंग आ रहा है भाई? वाई वाई बेटा, पासिव हीलिंग कर, एनेबल पासिव हीलिंग, ठीक है। तेरा इन्वेंटरी ओपन करेंगे और तेरा लेवल अप कर देता हूँ मैं, समझ ले, स्टेमिना पे। और पासिव हीलिंग करते रहे बेटा, करते रहे। तुम्हारा कितना हेल्थ है, ये कितने मिनट में होएगा, कुछ समझ में आ रहा है क्या दोस्तों? इनक्यूबेशन 93.1%, ठीक है। और ये 56 लेवल का होएगा, और ये कितने लेवल का होएगा, 68 लेवल का। वेरी नाइस दोनों दोस्तों, मजेदार चीजें आने वाली अपने पास, फुल मजा आने वाला है। तो दोस्तों अगर आपने लाइक नहीं किया ना अभी तक, अगर आपने लाइक नहीं किया ना तो बहुत बुरी बात है दोस्तों। ऐसे मतलब एंजॉय मत करो फ्री में ना यार, एंजॉय करना है तो लाइक करके करो ना यार। तो दोस्तों लाइक कर देना फटाफट से, और इसका अपन इंतजार करेंगे, इसका इंक्यूबेशन पूरा होने देंगे, ठीक है। और इधर तो हीलिंग चल ही रही है, तो कोई भी अपना बंदा जो है जो हील नहीं हुआ रहेगा वो हील हो जाएगा। तो दोस्तों अपन थोड़ा सा वेट करेंगे इन अंडों को इंक्यूबेट होने का, ठीक है। कंप्लीटली इंक्यूबेट हो जाएंगे तो मैं आपको बताता हूँ इनको कैसे बड़ा किया जाता है। फिलहाल अपना एक रेक्स जो है यहाँ पे ये बड़ा हो रहा है। अरे यार क्या करूं मैं तुम लोगों का, तुम लोग यार थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो ना यार, कि बंदा कुछ कर सके, हैं? ठीक है, अभी तकलीफ ना ले, बहुत तकलीफ सहा दोस्तों इस बंदे ने। मतलब ये अगर नहीं होता ना तो शायद मैं अंडों को उठा नहीं पाता। इसकी बदौलत मैंने उसको मारा भी और अंडों को उठाया भी, और अपना सारा सामान लूट के भी लाया मैं। मेरे को वैसे मतलब लूटने का ये सब था नहीं, लेकिन क्या कहें, अपना सामान है तो सामान है तो सारा लूटना ही पड़ेगा। तो सारा का सारा सामान मैंने जो है लूट लिया, और इन सबको मैं अब यहाँ पे फेंक दे रहा हूँ, क्योंकि ये सारे स्किन से अपने को इसकी जरूरत नहीं, बस इतने की जरूरत है, इसकी भी जरूरत नहीं, निकाल दो भाई साहब। अभी भी 900 हेल्थ इसका बाकी हील होने के लिए, फूड का मीटर ठीक है फिर भी कोई बात नहीं, और मैं तो पूरी तरीके से हील हो चुका हूँ। और अगर इनको देखा जाए तो इनक्यूबेशन 87% बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, और नीचे टाइम भी लिखा है, स्पॉइल्स इन 6 आवर्स तो नहीं लगने वाले, उसके पहले इनक्यूबेट हो जाएगा, 28 मिनट में इनक्यूबेट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, 28 मिनट का इंतजार करते हैं। तो दोस्तों अगर आप देखो तो इनक्यूबेशन लेवल हो चुका है 47.7% 100% हेल्थ जो है एग का। दोस्तों ये मजेदार होने वाला है, ये जो अपन को ये मिलने वाले ना दो डायनासोर, इसका भरपूर ख्याल रखना पड़ेगा और इनको अच्छे तरीके से इनका ग्रो कराना पड़ेगा। तो मेरे को लगता है लगभग ये 15 मिनट में अपने को बेबीज उस अंडे में से आ जाएंगे। और इनका क्या हाल है अपने इन बेबी का, तो इन बेबी का भी हाल 92.8% तक ये मैच्योरेशन लेवल पे पहुंच गए। एक बार ये मैच्योरेशन लेवल पे पहुंच जाएंगे तो मेरे को नहीं पता ये कितने लेवल का बंदा होएगा। वो एग में ऐसा कुछ लिखा था, मेरे को याद नहीं कि कितना लेवल का होने वाला था ये, लेकिन शायद 68 लेवल का ऐसा कुछ तो था। जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो अपने पास 1, 2, 3 रेक्स हो चुके हैं, और अपन कोशिश करेंगे और 10-12 रेक्स को लेके आके पालने का, और ऐसी नहीं तो अंडे इनके पैदा करके ना। लेकिन एक चीज देखने दो, रुको, ये क्या है बेटा जो है, ये फीमेल, भाई गलत हो गया ना, ये भी फीमेल है, वो भी फीमेल है। अगर ये मेल होता तो क्या ही बात होती थी, है कि नहीं? अरे बाबा जाने दे, फंसा दिया तूने। अंदर जाके देखेंगे फिर से कितने लेवल का है, 43.8। बाबा जल्दी हो जाओ फटाफट से, एकदम इंतजार अब नहीं होता मेरे को, तुम्हारे माँ को बाप को किसको तो मैं मार वीर करके आया। और दोस्तों मैंने ये भी सुना है ना कि इसके लिए ना मतलब अपने को वो जो वाइवन मिल्क होता है ना वो चाहिए होता है, जो कि अपन ने उसको मारे लेकिन ले नहीं पाए, क्योंकि मैं खुद उसके जहर से मारा जा चुका था। अपना जो राइडर ओपी है उसने मारा था, और मैं जाके अपने पंछी से जाके एग को उठाया और लेकर के भाग आया। बस उसने मारा, उसकी बॉडी मेरे को मिली नहीं, शायद डीकम्पोज हो गई थी, और मतलब मिली भी होती तो मैं कुछ कर नहीं पाता क्योंकि उधर इतने सारे जानवर थे, मेरे को भागना ही था वहां से। तो मैंने एक और तरीका देखा है कि अगर इनको बिना मिल्क के हम लोग को अगर इसको बच्चों को बड़ा करना है तो अपने पास ये डियोडॉन होना चाहिए, क्योंकि ये है अपना हीलर, तो ये हील होते रहेंगे, इनके सेहत को कोई नुकसान आता नहीं रहेगा, और हील होते होते ये कर लेंगे अपना काम। तो बेसिकली इसको हील करने के लिए बहुत सारे चिकन्स की ज़रूरत होती है। तो फिलहाल मेरे पास अभी ज़्यादा चिकन्स नहीं है, जितने लेके आए थे मैंने सारे ख़त्म कर दिए। तो एक काम करेंगे राइडर ओपी, तुम अपना इन्वेंटरी दिखाओ। तो इसके पास हैं काफ़ी सारे चिकन्स, बट स्टिल अपन क्या करेंगे ना, अपन जा करके चिकन बटोरने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे इधर पे पैरासोरस हैं, पैरासोरस ही बोलते हैं ना इसको, जो भी बोलते हैं पैरासोरस हैं, तो इनको हम मार करके इनमें से चिकन लेने की कोशिश करेंगे, भागने की कोशिश करेंगे। पर उससे पहले
हम चिकन ले लेंगे, ले ले ले, चिकन दे चिकन दे चिकन दे बाबू, चिकन दे कुटे चाल लो, दे दे भैया चिकन, तो चिकन दे देगा भाई। जितना हो सकेगा उतना चिकन जमा करेंगे, क्योंकि अपने बच्चे जो है वो बड़े होने वाले हैं और उनको लगने वाला है ढेर सारा चिकन। चलो बेटा और कहीं ढूंढो। और दोस्तों काफ़ी अंधेरा हो चुका है, मैं वापस से अपने बेस पे जा रहा हूँ। मुझे पता है आप लोगों को कुछ दिख नहीं रहा है चलते बेस पे, क्योंकि वहाँ पे दिखेगा या नहीं दिखेगा अपने को कोई मारने वाला तो नहीं रहेगा। तो सारे चिकन जो हमने अपने राइडर में रखे हुए हैं उसको उतर करके अपने फीडिंग थ्रू में डाल देंगे, क्योंकि ये चिकन्स का रहना, चिकन्स ने एक्चुअली मीट का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। नार्कोबेरिस उसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि नार्कोबेरिस हमें पता है कहाँ जाने चाहिए। और तेरा पासिव हीलिंग चालू रहना चाहिए, तेरा लेवल अप हो गया, चल तेरे को और एक लेवल अप देते हैं हम लोग वापस से स्टेमिना का, ठीक है। तेरा स्टेमिना को कुछ नहीं होना चाहिए, इसका मिली डैमेज उली डैमेज सब बढ़ाएंगे अपन, लेकिन अभी मेरे को इसको कहीं लेके जाना नहीं है, इसके लिए मैं उसको कुछ कर नहीं रहा। और दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 11 मिनट में ये दोनों अंडे हो जाएंगे बच्चे, बस इंतजार नहीं हो रहा है दोस्तों मेरे को। इधर ही बैठ के ऐसे पलती मार के बैठ करके बैठ जाता हूँ और देखता हूँ क्या होता है, कितने टाइम लेते हैं। और दोस्तों हो चुकी है प्यारी सी सुबह, और प्यारी सी सुबह के साथ मैं आपको अगर अपडेट दूँ तो ये हो जाने वाला 6 मिनट 8 सेकंड, 6 मिनट 7 सेकंड में ये दोनों अंडे होने वाले हैं बच्चे बच्चे बच्चे। और अपना जो बच्चा है वो होने वाला है बड़ा 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 दोस्तों, तो अपना बच्चा बड़ा हो जाएगा और जो अंडे हैं वो बच्चे हो जाएंगे 6 मिनट से भी पहले। 6 मिनट में तो ये अंडे होंगे, पर वो बड़ा जो होने वाला बंदा है अपना जो रेक्स, ये 6 मिनट के पहले हो जाएगा। मेरे को लगता है हार्डली मतलब 1-2 मिनट में हो जाना चाहिए बड़ा, और कुछ तो एक उसका टास्क आएगा कि क्या करने का उसके साथ में, या फिर डायरेक्टली बड़ा हो जाएगा वो। लेकिन 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 सबसे ज्यादा जरूरी जो ख्याल रखने वाली चीज है यहाँ पे वो ये है कि अपने को चिकन की हो रही है कमी। राइडर ओपी भैया तुम्हारे पास कितने चिकन पड़े हैं? 40, तो तुम खाओ। लेकिन 6 मिनट में अपने को वापस आने का है। एक काम करते दोस्तों, सारे सबकी इन्वेंटरी चेक करते हैं और सब में से एक एक स्टैक जो है ना वो निकाल लेंगे चिकन, क्या बोलते हो? और फिलहाल के लिए यहाँ पे रख देंगे। बच्चे की इन्वेंटरी में कितना चिकन है? बच्चे तेरी इन्वेंटरी में कितना चिकन है? चिकन तो तेरे पास है 40, तेरे इन्वेंटरी में क्या है? कुछ भी नहीं, नहीं तो ये बेटा हील नहीं करेगा और तुम लोग को खाने की कमी हो जाएगी। तो इसको हील करते रहने के लिए अपने को इसको खाना देते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, और खुद का भी खाना खाते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। यार मेरे पास 2 सार्क होते हैं, ये रहा एक सार्क, तेरे पास क्या है बेटा? ओ तेरे पास भी अच्छा खासा खाना पड़ा हुआ है, तो तेरा भी खाना ले लेंगे हम लोग। तेरे पास क्या पड़ा है बेटा? तेरे पास भी खाना अच्छा खासा पड़ा हुआ है, तो तेरा भी खाना ले लेंगे हम लोग, साथ में सड़ा हुआ खाना भी और रिहाइड भी ले लेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें ले लेंगे। ऊपर रेक्स के पास भी कुछ तो पड़ा होगा, और मेरे को लगता है बड़ा हो गया अपना बंदा, क्या बोलते हो? अपना बच्चा बड़ा हो गया क्या? हेलो बच्चे तुम बड़ा जा, ओ 100% बड़ा हो गया, इक्विप सैडल टू राइड। बेसिकली दोस्तों अपना बच्चा जो है बड़ा हो चुका है, अपने को इसके लिए सैडल लेके आना पड़ेगा, तो ठीक है सैडल लेके आएंगे उसको राइड करवाएंगे। 3 मिनट दोस्तों, ओनली 3 मिनट्स टू गो फॉर अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बेबीज ऑफ वाइवन। दोस्तों मेरे से इंतजार नहीं हो रहा है, क्योंकि बदला लिया गया है 2 RJ, 1 उड़न खटोले और क्या एक मरा था वहां पे, और एक कोई तो एक जानवर अपना मरा था ना, हाँ वो जो फ्लाई वन था वो। ये चारों का बदला लिया गया है उनके अंडों को चुरा करके, और ये अंडे जो है अपने पास है। अब इनको बस एक चीज करना है, सक्सेसफुली इनके अंदर से बच्चे निकलवाने, उन बच्चों को बड़ा करवाना है, जैसे अपन ने किया इस पर्टिकुलर रेक्स के साथ। और दोस्तों ओनली 51 सेकेंड्स टू गो फॉर अपना छोटा सा वाइवन निकलने वाले हैं। दो, एक है फायर बॉल वाइवन और एक है फायर ड्रैगन वाइवन। क्या बात है, आजा बेटा आजा 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 दोस्तों। ओनली 36 सेकंड्स, 35 सेकंड्स, 34 सेकंड्स, और फटाफट से मैं ये मौका मिस नहीं करना चाहता। मैं अपनी आंखों से इसको दूर होते हुए देख नहीं सकता, मतलब मेरी आंखों के अलावा ये कहीं पे भी मतलब हो जाए फट से। देखो कुछ तो कलर चेंज हुआ, और आने वाले हैं छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से क्यूट से बेबी। कुछ तो कलर भी चेंज हो रहा है इनके, कुछ तो पर्पल हो रहा है। 12 सेकंड 11 सेकंड 10 सेकंड 9 सेकंड, आजा बेटा आजा। दोस्तों बस ये मतलब मेरे को इसके बारे में पता नहीं कि मतलब बच्चे हो जाने के बाद मेरे को पता है कि उतना ही करना रहता है जो मैंने किया है। ये बॉय है, क्लेम करना पड़ेगा इसको, एक्सेप्ट, और दूसरा कहाँ है इसको, एक्सेप्ट। यस yes, दोनों को एक्सेप्ट कर लिया, और दोनों का मैच्योरेशन 1.1 है। और बेटा भाई हेलो वांट केयर इन 1 घंटा, इन्वेंटरी एक्सेस करेंगे, इनके इन्वेंटरी में हेल्थ जो है
गिर रहा है, इसका हेल्थ जो है वो भी गिर रहा है। मेरे को फटाफट से भाई तेरे को खाना देना पड़ेगा, और बेटा तेरा पासिव हीलिंग है ना ऑन रखना दोस्तों, अपने को मस्त मस्त दो 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 बंदे मिल गए प्यारे प्यारे, और अपने को मस्त ड्रैगन्स मिल गए दोस्तों। और अगर ये ड्रैगन्स, अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो इनके साथ अपन बहुत कुछ कर सकते हैं। स्प्लिट हाफ, इसको आधा दे देंगे, बेटा तुम खाते रहो और बेटा तुम भी खाते रहो। मैं एक इधर क्यों आ गया, खाओ खाओ अच्छे से खाओ, मजे लो तुम मेरे साथ। तो बेबी फायरबॉल ड्रैगन, बेबी फायरबॉल फायरबॉल ड्रैगन, ये भी फायरबॉल वेवन है। अच्छा दोनों में कुछ तो फर्क होता होगा, मेरे को नहीं पता, ये आप लोग बताओगे कमेंट करके, ठीक है दोस्तों। दो मस्त मस्त मजेदार मजेदार से अपने को ड्रैगन मिल गए, बाबा जो चाहिए था जिंदगी में मिल गया। अब दोस्तों बदला लिया जाएगा कैसे पता, ये दोनों को लेके जाएंगे उनके एरिया में, उनको मार के आएंगे इनके ही परिवार वालों को। यस, मेरा खून मेरा बदला। और मैं जा रहा हूँ दोस्तों अभी फिलहाल कुछ चिकन या मीट के बंदोबस्त करने के लिए जो कि वहाँ है। राइडर ओपी अगर नहीं होता ना दोस्तों, अपनी इस मिशन में कभी सक्सेस हो ही नहीं पाते, क्योंकि ये बंदा ऐसा है ना कि ज़मीन पे भी अच्छे से काम कर लेता है, और इनका जो है अपना वो पानी में तो एकदम औसम बंदा है, कोई डाउट नहीं है, और बिना इनके तो हो ही नहीं पाता। एक अपना आरजे मर गया, लेकिन कोई बात नहीं, उनकी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। इन दोनों बच्चों को भली भांति बहुत ही अच्छे से टेम करने वाले। वहाँ कौन है भाई मेरा, ये कौन है भाई, छोटू इधर क्या कर रहा है? अबे छोटू मारा जाएगा दोस्तों, इतना गंदा वाला ये बरसात का मौसम हुआ है कि मेरे को है ना कुछ आगे दिख ही नहीं रहा, धुंध बिंद सा आया रखा हुआ है। कौन आ रहा है भाई इतना आवाज करते हुए? हेलो ड्रैगन से, ये बच्चे लोग अंदर क्या कर रहे हो तुम लोग? ये मेरा फाटक तोड़ रहे भाई, क्या भाई, हेलो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे तुम लोग। दोस्तों देख रहे हो ये किधर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। 1 घंटा 16 मिनट में दोस्तों हम लोग को इसको प्यार करना होगा। ये देख रहे हो दोस्तों क्या निकल गया, वेरी नाइस। इधर से ड्रैगन भाग जाएंगे, एक काम करते हैं फाउंडेशन दबाएंगे अपन, फाउंडेशन की तरह इधर इसको नीचे ले लेंगे, ऐसे 0 दबाएंगे और इसको प्लेस कर देंगे, इसको अंदर रखेंगे और प्लेस। और बेटा तुम लोग को इधर कौन जाने बोल रहा, क्या है उधर, हील करते रहे बस। अभी अपने को फिलहाल इतना ही है कि ये उस तरफ ना जाए, रुको इस दरवाजे को बंद कर देते हैं अपन कि उधर से ना निकले, बाकी घूमो तुम लोग को किधर घूमने का। हाँ ये ना बात, ये देख रहे हो दोस्तों, ये देखो दोस्तों। ओ भाई साहब, एक मिनट, मैं इसे अपना पहले ना ये स्पाई ग्लास बंद करता हूँ, ऑसम स्पाई ग्लास। अच्छा फिर भी आएगा ही, ठीक है। लेकिन ये देख रहे हो दोस्तों, भाई साहब लेवल ऑफ एकदम खुखार पना 110। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो कितना प्यारा है भाई, क्या ही है इतना सुंदर सा। तो दोस्तों इसको अभी केयर करने का अपने को 1 घंटा और कितने मिनट में पता है, दिखा दे भाई, 1 घंटा 13 मिनट में, और हम लोग तभी वापस दिखाता हूँ मैं आपको कैसे केयर करना है। मैं सारी चीज आपको इसका ना पूरा का पूरा बताने वाला हूँ कैसे क्या क्या कर सकते हैं अपन। और है? दोस्तों जो अपने को इंतजार था अब इनको हो गया है, इनको फायरबॉल में वांट टू बी फेड कंफर्ट फूड ड्रैगन मिल्क। बाबा ड्रैगन मिल्क तो अपने पास है नहीं, और इनको क्या चाहिए, इनको भी वेवन मिल्क चाहिए, वेवन मिल्क दोनों भी नहीं है दोस्तों अपने पास, लेकिन अपन कुछ कर नहीं सकते अभी। अपने को इसको हीलर के साथ ही जिंदा रखना पड़ेगा, अपना जो पासिव हीलर है वही इसके साथ काम करेगा, थोड़ा सा इंप्रेशन कम होएगा और इनके लेवल्स थोड़े कम होंगे, ठीक है मंजूर है, देखते क्या होता है। अब इनको बढ़ने देंगे और मिलता हूँ मैं आपसे दोस्तों अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फिर दोस्तों लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे मज़ेदार कंटेंट आते रहेंगे। तो चलो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, घरों में रहना, सेफ रहना, और दोस्तों देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। इसी के साथ अलविदा दोस्तों, बाय बाय।